पास जो बच्चे का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा पर डे आपको सेल इतनी करनी होगी, तो तब जाके इस कीवर्ड के अंगेज आप टॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट पेज पे। जब भी कस्टमर ये कीवर्ड पर टाइप करेगा तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नजर आएगी, जब आप गिव अवेज कर लेंगे ये, ठीक है। 46 से 46 गिव अवेज 8 दिन में, आपने 46 यूनिट सेल करने हैं 8 दिन में, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं पर डे कितने यूनिट सेल करें, 46 को आपने डिवाइडेड कर देना है 8 पर, तो आपके पास यानी कि निकल आएगा कितने आपने पर डे आपने गिव अवेज करने हैं, जो जहाँ से आप कीवर्ड भी इस कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये आ गया स्ट्रॉबेरी नेट्रॉन्स, ये भी आप कीवर्ड निकाल सकते हैं इसके कीवर्ड के लिए। तो ये हमने स्टेप हमने चेक कर लेना। उसके बाद स्टेप 9 होगा एक प्रोडक्ट मीट योर क्राइटेरिया, कि आप जब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्राइटेरिया को मीट कर चुकी है तो आपने क्या करना है, 9th स्टेप में आपने करना है कि वो से अमेजोन के कंपटीटर को चूज़ करना है, कि कौन से कंपटीटर आपने चूज़ करना है कि प्रोडक्ट को सेल, उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइन की हुई हमने सेल करनी है, तो आपने क्या करना है, कंपटीटर को चूज़ करने का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, आपने जंगल स्काउट के एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने कंपटीटर अपना चूज़ कर लेना है। आपने क्या करना है, वो कंपटीटर चूज़ करना है जिसके रिव्यूज़ कम हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब क्योंकि सेल्स वगैरह ज़्यादा हों लेकिन रिव्यूज़ कम हो, ताकि हम उसके साथ कंपीट भी कर सकें। आप एक कंपटीटर भी चूज़ कर देंगे, बहुत सारे तीन भी चूज़ कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग पे आप डिपेंड करता है कि वो तीन तरह के डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट सेम ही है तमाम, यानी कि एक बॉक्सेज ही हैं तमाम, तो आपने क्या करना है, जहाँ से आपने एक कंपटीटर चूज़ करना है, कंपटीटर जहाँ से आप देख लेंगे रेवेन्यूज कितने ज़्यादा हैं और किसके रिव्यूज़ कम हैं, तो हम यहाँ से चेक करते हैं किसके रिव्यूज़ कम हैं और किसके रेवेन्यू ज़्यादा है। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं लाइक ये, ठीक है। आपने ये चूज़ कर लेना है, 12,000 देखते हैं प्रोडक्ट मार्केट के वाइट बैटरी बॉक्सेस, ठीक है। हमने लाइक किसको चूज़ कर लिया, कंपटीटर को, ये हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। इसके रेवेन्यू है कितना बता रहा है, रेवेन्यू 12,000, ठीक है। मंथली रेवेन्यू 496 इसकी सेल्स हैं, हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक इसकी प्राइस भी पा दी है, इसकी 40 यानी कि नेट प्रॉफिट है इसका, और इसके पास रिव्यूज़ 18, ठीक है। इसके 18 रिव्यूज़ हैं, तो आप अगर 18 से 20 पर भी जाते हैं तो आपके अच्छी सेलिंग होगी। लाइक हमने इस तरह कंपटीटर चूज़ करना है जिसके रिव्यूज़ कम हो, सेलिंग ज़्यादा हो, तो हमने वो कंपटीटर चूज़ कर लेना है। हमने क्या करना है, अब इसको कम्पीट किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जंगल स्कोर ऑलरेडी आपको बता रहा है कि इसके 94-96 इसकी सेल्स आ रही हैं, 10 इसका बीएस आ रहा है, इसकी 480 सेल्स ये हीलियम टेन बता रहा है, जब आपका एक्सटेंशन डाउनलोड होगी वो भी आपको बता रहा होगा। तो यहाँ पे रिव्यूज़ बता रहा है कि रिव्यूज़ 4 काउंट कर रहा है, यहाँ पे लास्ट ये आज के दिन की शायद बता रहा है वो, ठीक है। आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को गौर से देखना है, इसके कस्टमर के रिव्यूज़ भी पढ़ लेने हैं, ठीक है, कि रिव्यूज़ क्या कर रहे हैं। ये लाइक ब्रांड इसका रजिस्टर है अमेजोन के यहाँ, इसी वजह से ये ब्रांड A+ कॉन्टेंट का है। आपने जहाँ पे कस्टमर के रिव्यूज़ पढ़ लेने हैं कि इसमें क्या चीज़ की कमी आ रही है, क्या हम चीज़ अप्रूव करें इसमें ताकि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को बाय करें इसको छोड़ के, तो हमने आप इसके नेगेटिव करने हैं, फीडबैक पढ़ने हैं, लाइक 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ये तमाम हमने रिव्यूज़ पढ़ लेने हैं इसके, और यहाँ से हमने डिसाइड कर लेना है कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट दिखानी है कस्टमर को,